नमस्कार, आपका स्वागत है रेसिपी विथ गीता में। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए कितना सुंदर रहता है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रहता हमारा है। वाह, कितना खाने में भी उतना ही टेस्टी लगने वाला ये लगता है। आप देखिए कितना रसीला, एकदम खूबसूरत है देखने में भी, और खाने में तो और भी लाजवाब टेस्ट है इसका। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। आप देख सकते हैं, आपको जरूर मुंह में पानी आ रहा है ना, लग रहा है कि हमें भी लग रहा है कि कब खा ले इसे, इतना टेस्टी यम्मी है ही। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। आज हम बनाएंगे फ्रूट रायता। इसके लिए मैंने देखिए दो पके हुए केले लिए हैं, एक ये जो होते हैं नाशपाती लिए हैं, और एक सेब। आप अपने पसंद के अनुसार जो भी आपको फ्रूट पसंद है, फल पसंद है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये रायता मीठी होती है, इसलिए मैंने दो केले ली है। इसके जगह आप पका हुआ आम भी ले सकते हैं। ये मेरी दूध, ये है दही, है दो दिन की दही है, फ्रिज में रखी हुई थी, खट्टी हो गई है, इसलिए मैंने ये एक कप है दही, और ये एक कप है दूध, ठंडा दूध है ये, और इसमें चीनी डालेंगे और काला नमक स्वाद के अनुसार, हल्का सा स्वाद के लिए डालेंगे। अब हम इसके छिलके छील लेंगे। ये देखिए मैंने केले के छिलके हटा दी है, और ये जो है इसको मैं ऐसी डालने वाली हूँ, इसको छीलूंगी नहीं, क्योंकि मुझे इसके जो छिलके हैं वो भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये छिलके भी विटामिन के काम करते हैं। इस छिलकों को मैं फेंकूंगी नहीं, छिलके के साथ ही मैं काट लूंगी सबको। अगर आपको छिलके के साथ पसंद नहीं है तो आप इसे छिलके हटा भी सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। देखिए हमने कट कर ली है केले, सेब और ये नाशपाती है, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर ली है। आप देख सकते हैं इस तरीके से सारे को कट कर लेंगे। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब इन दही को हम क्या करेंगे, पूरी अच्छी तरह से फेंट लेंगे, और ध्यान दीजिएगा हमारी जो दही है वो खट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेश दही से ही अच्छे फ्रूट रायता यानी फल के रायता बनते हैं। इसके लिए फ्रेश दही ले। अगर फ्रेश दही नहीं है, आपकी दही खट्टी भी हो गई है, तो उसमें आप दूध डाल दें और चीनी डालें, मीठी हो जाएगी। इसके लिए फ्रेश दही ही सही रहता है, मीठी होती है क्योंकि खट्टी नहीं होती है। एक से बढ़कर एक पकवान की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे रेसिपी विथ गीता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल को चुनें ताकि मेरा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब इसको हम अच्छी तरह से पूरा फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दही को फेंट ली है, ये देखिए अच्छी तरह से फेंट चुका है। अब इसमें हम दूध को डाल देंगे और इसे मिला लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें चीनी को डालेंगे, ये जो चीनी है और ये नमक है, इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको ऐसे। आप चीनी के जगह भूरा भी ले सकते हैं, वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा, जैसा पसंद है आपको मीठा खाना, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ये मीठा ही होता है, हल्का सा पूरा मीठा होता है ये रायता, जरा सा भी खट्टा नहीं होता है। मैंने इसमें इसी चम्मच से 3 चम्मच ली है चीनी। अब हम क्या करेंगे, आधा टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून ये जो है काली मिर्च, इसको भून करके पाउडर बना ली है। अब इसे हम थोड़ी सी एक चुटकी इस तरीके से डाल देंगे ताकि इसका भी टेस्ट आ जाए, और एक टीस्पून या 2 टीस्पून रूह अफ़ज़ा डालूंगी। इसमें 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा डाल देंगे, इसका भी टेस्ट आ जाएगा, इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छी आती है। इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से,
और ये जो फ्रूट हमने काट के रखे हैं इसमें हम सारा डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे डालकर। ये देखिए हमने सारे डाल लिए हैं और इसे अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम फ्रीज में रख देंगे, क्योंकि ये फ्रूट और जो होते हैं इसके ना ठंडे ठंडे खाने में ही अच्छे लगते हैं। ये रायता, फ्रूट रायता जो है जितना ठंडा खाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा, और इसे हम रख देंगे फ्रीज में तो और भी बढ़िया से ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इतना ये इतना टेस्टी लगने वाला है, ये बहुत अच्छा लगता है। ये आप भी घर में जरूर ट्राई करें और बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। आप जरूर बनाएं इसको और ये सभी को पसंद आने वाला है, लाजवाब टेस्ट है। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। आप चाहे तो वो जो अनार होते हैं उसको भी आप ऊपर से डाल सकते हैं, और ये इसमें अंगूर भी डाल सकते हैं, जो आपको फ्रूट पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और पुदीना का जो पत्ता है उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी आएगी खुशबू और टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगने वाला है ये। ये रहिए हमारा कंप्लीट हो गया, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना वीडियो देख करके आराम से घर में वो बना सके, वो भी यूज कर सके। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो डोंट वरी, ऐसे भी ये बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत टेस्टी लगता है, ऐसे भी आप खा सकते हैं बिना फ्रिज में रखे ही।